an advocate to public is primary duty. एक एडवोकेट क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अप्लाई करने पे काम करता है। एक एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सेफगार्ड करने की कोशिश करता है, वो रूल ऑफ लॉ के मेंटेनेंस में काम करता है, वो एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस के लिए काम करता है और लोगों को हेल्प करता है उनके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में। तो यानी जो एडवोकेट का ड्यूटी है वो प्राइमरीली किसके लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट। एन एडवोकेट शैल नॉट टेक एनी अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम द इग्नोरेंस ऑफ क्लाइंट। अगर क्लाइंट को किसी चीज़ के बारे में कम नॉलेज है तो एक एडवोकेट को कभी भी अपने क्लाइंट के उस कम नॉलेज का फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक एडवोकेट को हमेशा अपने क्लाइंट को एडवाइस देना चाहिए, वो एडवाइस जो विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ हो। एक एडवोकेट को हमेशा अपने क्लाइंट से ऑनेस्ट तरीके से एक्ट करना चाहिए, विद फुल ऑनेस्टी। एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट का हर संभव मदद करना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। एक एडवोकेट और एक क्लाइंट के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है, एक एडवोकेट का ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो उस कम्युनिकेशन को किसी थर्ड पार्टी या ऑपोजिट पार्टी के सामने डिस्क्लोज ना करे, और ना ही कोई थर्ड पर्सन एक एडवोकेट को फोर्स कर सकता है कि वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। प्रोफेशनल एथिक्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लॉयर्स के बारे में बात करेंगे इन डिटेल विथ नोट्स। ये प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर सेकंड लेक्चर है। अपने पहले लेक्चर में हमने प्रोफेशनल एथिक्स के मीनिंग को समझा और उसके तहत हमने लीगल एथिक्स को जाना, और एंड में हमने एक कैश लॉ भी डिस्कस किया था। तो आज हम लॉयर्स के क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, वो एडवोकेट्स के रिगार्ड में कोड ऑफ कंडक्ट को ही शो करता है, डिस्क्लोज करता है। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो रिटन फॉर्म में है एडवोकेट्स एक्ट 1961 में, राइट। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 7 है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स के रिलेशन में प्रोफेशनल कंडक्ट को सेट करेगा, कि एडवोकेट्स का क्या प्रोफेशनल कंडक्ट होगा, उनका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा। तो इसमें आप लिखोगे कि सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 एम्पावर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट इन रिलेशन टू एडवोकेट्स। तो हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 7 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो क्या करे, एडवोकेट्स के रिलेशन में सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट को फ्रेम करे। तो क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट हैं एक एडवोकेट्स के लिए, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट एक एडवोकेट पर एप्लीकेबल होते हैं, जिन कोड ऑफ कंडक्ट को एक एडवोकेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है,
और अगर वो इसे फॉलो नहीं करता है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कैटेगरी में आता है। चलिए, तो जो पहला कोड ऑफ कंडक्ट है डिसाइडेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज पर सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, वो है ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू पब्लिक इज हिज प्राइमरी ड्यूटी। तो एक एडवोकेट का जो प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या है? पब्लिक को सर्व करना। ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू पब्लिक इज हिज हर प्राइमरी ड्यूटी, ठीक है, ओके। दूसरा, ड्यूटी टू एडवाइस द पब्लिक, पब्लिक को एडवाइस देने का ड्यूटी है एक एडवोकेट का। ड्यूटी टू एडवाइस द पब्लिक तीसरा, ड्यूटी रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ड्यूटी रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो एक एडवोकेट को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना डिग्निटी हमेशा मेंटेन करके चलना है। फिर है ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, और लास्ट है नो एंगेजमेंट इन एनी बिजनेस अदर देन लॉ। नो एंगेजमेंट इन एनी बिजनेस अदर देन लॉ। सो दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एडवोकेट्स। पहला ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू पब्लिक इज प्राइमरी ड्यूटी। ड्यूटी टू एडवाइस द पब्लिक। तीसरा, ड्यूटी रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। फोर्थ, ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट। और लास्ट है नो एंगेजमेंट इन एनी बिजनेस अदर देन लॉ। तो एक एडवोकेट अपने लॉ प्रोफेशन में रहते हुए अपने आप को किसी दूसरे बिजनेस में एंगेज नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कैटेगरी में आएगा और वो एज एन एडवोकेट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए, इन पांचों कोड ऑफ कंडक्ट को डिटेल में समझते हैं। पहला ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू पब्लिक इज प्राइमरी ड्यूटी। ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू पब्लिक इज प्राइमरी ड्यूटी। एक एडवोकेट क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अप्लाई करने पे काम करता है। एक एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सेफगार्ड करने की कोशिश करता है। वो रूल ऑफ लॉ के मेंटेनेंस में काम करता है। वो एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस के लिए काम करता है।
और लोगों को हेल्प करता है उनके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में। तो यानी जो एडवोकेट का ड्यूटी है वो प्राइमरीली किसके लिए है? पब्लिक वेलफेयर के लिए है, राइट। तो इसमें आप लिखोगे, इन पॉइंट्स में आप लिख दोगे, An advocate shall uphold the constitution. An advocate shall uphold the constitution. Helps in maintenance of rule of law. Helps the public in advancement of justice. Assist public regarding enforcement of their fundamental rights. All these duties of an advocate, एक advocate के ये सभी जो duties हैं वो clearly ये show करती हैं कि एक advocate का जो duty है वो primarily public के लिए है, clear। चलो तो ये हो गया। दूसरा, ड्यूटी ऑफ एडवाइस टू द पब्लिक, पब्लिक को एडवाइस देने का कार्य करता है एक एडवोकेट। ड्यूटी ऑफ एडवाइस टू द पब्लिक, यहां पे कहता है कि एक एडवोकेट को कभी भी जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटीज हैं उनके कॉन्ट्रारी में, उनके अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। तो एक एडवोकेट को कभी भी जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटीज हैं उनके अगेंस्ट में काम नहीं करना है। एक एडवोकेट को हमेशा ऑनेस्ट तरीके से एक्ट करना है ऑल द टाइम। एक एडवोकेट को कभी भी वो सभी सर्विसेस रेंडर नहीं करना है या वो एडवाइस नहीं देना है जो ब्रीच ऑफ लॉ करता हो, राइट। तो यहां आप लिखोगे, an advocate shall not act contrary to the, देखो एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि इस पर आपको ज़्यादा ही नंबर मिलेगा। तो आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दो और सिनॉप्सिस का यूज़ करके अपने आंसर को प्रेजेंट करो। मैं ऐसे ही अपने एग्ज़ाम में लिखता हूँ और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं मेरे कम पढ़ के, ठीक है। तो एक एडवोकेट को शैल नॉट एक्ट कॉन्ट्रारी टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी। And must act honestly all the time. Shall not give
एनी सर्विस और एडवाइस इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ लॉ। तो एक एडवोकेट को कभी भी ऐसे एडवाइसेस नहीं देना है जो ब्रीच ऑफ लॉ करता हो, क्योंकि ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। तो अगर वो लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट में कोई काम करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा। शैल नॉट गिव एनी सर्विस और एडवाइस इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये दो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। अब तीसरा, ड्यूटी रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ड्यूटी रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ ड्यूटी रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। An advocate shall conduct himself with due dignity and self-respect and shall assist in the enforcement of law and administration of justice. एक एडवोकेट को, क्योंकि वो एक ऐसे प्रोफेशन में है जो एक नोबल प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन ऑफ ग्रेट ऑनर है। हंसराज छुगनी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो एक एडवोकेट को कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट में जाके, अपने डिग्निटी के अगेंस्ट में जाकर के काम नहीं करना है। उसे हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ही इज गोइंग टू हेल्प द पीपल इन प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। वो लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है। वो एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ के प्रोविजंस के एनफोर्समेंट के लिए काम कर रहा है। वो एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस के लिए काम कर रहा है। तो उसे क्या करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ आप देखोगे, एन एडवोकेट शैल कंडक्ट हिमसेल्फ with due dignity and respect, with due dignity and self-respect. Fourth one is duty towards क्लाइंट। क्लाइंट को लेकर के उसका क्या ड्यूटी है, क्योंकि हमने जाना था कि लीगल एथिक्स में बेसिकली हम क्या कहते हैं। लीगल एथिक्स में बेसिकली हम उन सभी प्रोफेशनल्स जो कि लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनके ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। उनका ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स क्लाइंट, टुवर्ड्स अपोजिट पार्टी, टुवर्ड्स देमसेल्फ्स, टुवर्ड्स कोर्ट। ठीक है, तो एक एडवोकेट का क्या ड्यूटी है टुवर्ड्स हिज क्लाइंट, आइए उसे समझते हैं। ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट एन एडवोकेट shall not take any undue advantage from the ignorance of client. अगर client को किसी चीज़ के बारे में कम knowledge है तो एक advocate को कभी भी अपने client के उस कम knowledge का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। एक advocate को हमेशा
अपने क्लाइंट को एडवाइस देना चाहिए, वो एडवाइस जो विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ हो। एक एडवोकेट को हमेशा अपने क्लाइंट से ऑनेस्ट तरीके से एक्ट करना चाहिए, विद फुल ऑनेस्टी। एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट का हर संभव मदद करना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। एक एडवोकेट और एक क्लाइंट के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है, एक एडवोकेट का ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो उस कम्युनिकेशन को किसी थर्ड पार्टी या ऑपोजिट पार्टी के सामने डिस्क्लोज ना करें, और ना ही कोई थर्ड पर्सन एक एडवोकेट को फोर्स कर सकता है कि वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। जैसे हम लॉ ऑफ एविडेंस में आगे समझेंगे जब हम सेक्शन 125 को देखेंगे। तो यहां आप लिखो, एन एडवोकेट shall not take any undue advantage from ignorance of his client. In relation to a particular fact, पहला पॉइंट। दूसरा, एन एडवोकेट शैल गिव एडवाइस टू हिज क्लाइंट विद ऑनेस्टी, शैल गिव एडवाइस टू हिज क्लाइंट विद ऑनेस्टी एंड इन गुड फेथ। Shall help his client, एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट को हेल्प करना है इन ऑल द वेज बट विद इन द परव्यू ऑफ लॉ। शैल हेल्प हिज क्लाइंट इन ऑल वेज बट विद इन परव्यू ऑफ लॉ। और लास्ट में आप लिखोगे, एन एडवोकेट शैल नॉट डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन विच टुक इन बिटवीन देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आई होप आप लिख लोगे। चलिए, अब मैं नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है नो एंगेजमेंट इन एनी बिजनेस अदर देन लॉ। एक एडवोकेट को अपने लॉ प्रोफेशन में रहते हुए अपने आप को किसी अदर बिजनेस में एंगेज नहीं करना है। What is the reason behind this? इसके पीछे का reason क्या है? अभी उसे हम समझ लेते हैं। एक एडवोकेट को अपने लॉ प्रोफेशन में रहते हुए अपने आप को किसी अदर बिजनेस में या ट्रेड में एंगेज नहीं करना है। वाई? वो इसलिए क्योंकि देखो, एक क्लाइंट और
एक एडवोकेट के बीच का जो रिलेशन होता है वो फिडुशियरी इन नेचर होता है, FIDUCIARY, यानी एक ऐसा रिलेशन जो कि ट्रस्ट पे बेस्ड है, जो कि फेथ पे बेस्ड है। क्लाइंट आप पे टोटली डिपेंडेंट है और वो ये आस लगाए हुए है कि आप उसे जस्टिस दिलाओगे, वो आप पे ट्रस्ट करता है। तो अगर आप अपने आप को लॉ प्रोफेशन के इतर किसी अदर ट्रेड में या बिजनेस में इंगेज रखते हो तो आपका जो मन है वो हमेशा प्रॉफिट में लगा रहेगा कि आप चाहोगे कि मुझे प्रॉफिट हो, मुझे और पैसा है, तो यानी यू विल गेट डाइवर्टेड, आप डाइवर्ट हो जाओगे और आप फुल टाइम अपने उस प्रोफेशन को नहीं दोगे। ये क्या है, ये आपके क्लाइंट के लिए एक इनजस्टिस होगा। इसलिए ये एडवोकेट्स का कोड ऑफ कंडक्ट है कि एडवोकेट अगर लॉ प्रोफेशन, देखो हमारा जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है वो एडवोकेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि वो अपने आप को किसी दूसरे बिजनेस या ट्रेड में एंगेज नहीं कर सकता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 आपको परमिशन देता है कि आप अपने आप को किसी अदर बिजनेस या ट्रेड में एंगेज कर सकते हो, बट आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लीव लेना होगा, आपको लॉ प्रोफेशन से लीव लेना होगा, क्योंकि अगर आप एक सेम पॉइंट में दो ट्रेड या बिजनेस में अपने आप को इंगेज करते हो तो ये आपके उस प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई एन एडवोकेट शैल नॉट इंगेज हिमसेल्फ इन एनी बिजनेस अदर देन लॉ। क्लियर, चलिए इसे हम समझ लेते हैं। No engagement in any business, no engagement in any business other than law. यहां कह रहा है कि no advocate shall be promoter of a trading company. एक advocate किसी भी company का, किसी भी ट्रेडिंग कंपनी का प्रोमोटर नहीं बन सकता है, ना ही अपने आप को किसी अदर ट्रेड में इंगेज कर सकता है। अगर वो अपने आप को किसी अदर ट्रेड या बिजनेस में इंगेज करना चाहता है तो ही मस्ट हैव टू टेक लीव फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लीव लेना होगा। लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक एडवोकेट जो है वो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन या डायरेक्टर के तौर पे एक्ट कर सकता है। एक एडवोकेट किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन या डायरेक्टर के तौर पे एक्ट कर सकता है विथ और विदाउट टेकिंग सिटिंग फीस। तो फीस लेकर वो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन या डायरेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। यानी ये जो फंक्शन होगा वो टेम्पोरेरी इन नेचर होगा, फीस लिया, एक्ट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन के तौर पे और फिर से वो चला गया। लेकिन एक एडवोकेट बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लीव लिए किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या सेक्रेटरी नहीं बन सकता है। एक एडवोकेट किसी भी फर्म, किसी भी कॉरपोरेशन या किसी भी कंसर्न का फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय नहीं बन सकता है। एक एडवोकेट जिसका कोई इनहेरिटेड फैमिली बिजनेस है तो वो उस बिजनेस को, यानी एक एडवोकेट अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है लेकिन उस बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ना एडवोकेट का, कि जो एडवोकेट है वो अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है लेकिन उसमें उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, यही सेम क्वेश्चन मुझसे वाइवा में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिए जाते हैं। लास्ट कहता है कि एक एडवोकेट आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट कर सकता है। चलिए अब हम नोट्स बना लेते हैं। तो आप लिखोगे कि नो एडवोकेट शैल बी प्रोमोटर
ऑफ एनी ट्रेडिंग कंपनी nor shall without taking leave from Bar Council otherwise engage in any trade और बिजनेस एक्सेप्ट, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमने देखा कि एन एडवोकेट शैल बी, यहाँ लिख लो एन एडवोकेट शैल एक्ट एज डायरेक्टर और चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विथ और विदाउट टेकिंग सिटिंग फीस. आगे नो एडवोकेट शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी. नो एडवोकेट शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी विदाउट टेकिंग लीव फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, ओके. आगे चलिए, मौसम थोड़ा गड़बड़ होने वाला है तो हम जल्दी से इस लेक्चर को खत्म करते हैं. देखो, अब आप लिखोगे कि एन एडवोकेट शैल नॉट बी अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय. एन एडवोकेट शैल नॉट बी अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय. वो एक फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो सकता है इन एनी फॉर्म और कॉरपोरेशन. एन एडवोकेट मे कंटिन्यू हिज फैमिली बिजनेस. वो अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है but shall not engage himself in management में अपने आप को इंगेज नहीं करेगा उस पर्टिकुलर बिजनेस में. अब आप आगे लिखोगे एन एडवोकेट मे एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर ऑल्सो. एक एडवोकेट आर्बिट्रेटर की तरह भी एक्ट कर सकता है. एडवोकेट मे एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर ऑल्सो. तो ये था कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एडवोकेट्स, जिसे एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 7 में दिया गया है. ठीक है, तो दिस इज All about today's lecture. तो आई होप कि ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लॉयर्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके पास एक अच्छा नोट्स तैयार हो गया होगा. तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.